जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल को लॉन्च कर दिया है। 1.5 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था मार्क जकरबर्ग ने। आपको इसका क्या फायदा होने वाला है, कैसे इसे यूज करना है और इसे इसके गूगल से डायरेक्ट कंपटीशन होने वाले, इस वीडियो में डिटेल में मैं सब बताऊंगा कि कैसे आपको ओपन करना है, क्या क्या इसको क्राइटेरिया आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, व्हाट्सएप चैनल जैसे फेसबुक का चैनल होता है, यूट्यूब का चैनल होता है, इंस्टाग्राम का एक अकाउंट होता है जो कि मोनेटाइज होता है। ये यकीनन आगे चल के मोनेटाइज होगा, लेकिन कौन कौन ये कर सकता है, देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे पहले क्या होता था, हमारा जो स्टेटस है, स्टेटस के बाजू में एक आपको अपडेट का ऑप्शन उन्होंने दे दिया है। फायदे जान लीजिए, अगर आपका चैनल आपने बना लिया तो आप क्या कर सकते हो, वहीं से ही व्हाट्सएप से ही आप बहुत से लोगों को शेयर कर सकते हो, बहुत से लोगों को लिंक भेज सकते हो, जैसे कि आप यूट्यूब की लिंक भेजते हो, फेसबुक की लिंक भेजते हो। और हम क्या करते हैं, जैसे हमें व्हाट्सएप से कोई शेयर करना होता है, यानी एक गूगल की इमेज ले लीजिए, फॉर एग्जांपल जवान मूवी हिट हो गई है तो मुझे जवान की एक जो HD प्रोफाइल पिक है वो दोस्त को सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाऊँगा, नहीं तो फेसबुक, जहाँ से भी मुझे लेना है वहाँ से लूँगा। लेकिन अभी वैसा नहीं है, व्हाट्सएप ने थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करना बंद कर दिया है। व्हाट्सएप बोले भाई पहली फुर्सत में निकलो, व्हाट्सएप पे ही आप चैनल बना सकोगे और वहीं से आप शेयर कर सकोगे, आपको थर्ड पार्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि गूगल को तगड़ा कॉम्पिटिशन ये देने वाला है। अभी बात करते हैं कि यूज कौन कर सकते हैं। देखिए, आपको जो रेगुलर व्हाट्सएप है उससे ये नहीं होगा, आपको व्हाट्सएप बिजनेस एक अलग ऐप होता है, एक अलग अकाउंट होता है, बहुतांश लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं, सेम व्हाट्सएप जो होता है हमारा अकाउंट, वो सेम लोगो होता है, सिर्फ आपको प्ले स्टोर पर व्हाट्सएप बिजनेस डालना है और वो जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपके स्टेटस के बाजू में एक अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट का जैसे ऑप्शन आएगा तो आपको बहुत सारे चैनल्स दिखेंगे वहाँ पे, बहुत सारे जैसे NDTV, आज तक, बड़े बड़े चैनल्स वहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। जैसे कि अभी थ्रेड लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे विद इन मिनट वो बड़े बड़े चैनल क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि उनको सब पहले ही पता रहता है, तो वो अपडेट के नीचे आपके चैनल्स हो जाएंगे और वहां से आप हैंडल कर सकेंगे, वहां से आप क्लिक कर सकेंगे। जैसे कि अभी आज पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है तो आप जाओगे वहां पे इंडिया न्यूज पे कोई आर्टिकल रहेगा, वहीं से शेयर कर सकेंगे, वहीं से पढ़ सकेंगे और वहीं से सारा खेल आप हैंडल कर सकेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है। और आप देख सकते हो बहुत फेमस चैनल है, जिसकी स्टार स्पोर्ट्स है, बड़े बड़े क्रिएटर्स है अपने कम्युनिटी के, उन्होंने भी चैनल बना के रखा है, 50,000 वहां पे उनके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स भी हो चुके हैं, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन क्या सबको ये मिलेंगे, क्या नहीं, इसका कुछ क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया ये है दोस्तों, जी हाँ, आप थोड़ा सा फेमस चाहिए, आपके इंस्टाग्राम में टिक चाहिए, आप भले ही एक बड़ी सेलिब्रिटी ना हो, एक अच्छे यूट्यूबर भी हो जिसके 1-2 लाख अच्छे सब्सक्राइबर हो और गूगल पे सर्च करो तो उनका कुछ रुतबा हो, गूगल कुछ बता सके उनके बारे में, तो उनको वे ब्लू टिक मिलता है, वेरिफिकेशन जो होता है वो व्हाट्सएप का टिक मिल जाता है। क्योंकि यहां पे आप चैनल देखिए, सब चैनल वेरीफाइड है, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप बिजनेस आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया और आपका वो जो अकाउंट है वो बन गया। तो यूट्यूबर्स हैं, उनके 1-2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, तो बहुत जल्द उनका चैनल जल्दी बनेगा, और उनका नहीं भी है तो अभी लॉन्च हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सबके लिए होगा। अगर ये आ गया तो मैं आपको बता सकता हूँ, छोटे छोटे जो बिजनेसेस है, फिर यहाँ पे आप अमेजॉन अफिलिएट ले लीजिए या फिर कोई ऑफलाइन भी बिजनेस है, वो इतने ज़्यादा चलेंगे। व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप ऐड का बटन आपको दिखेगा, जैसे फेसबुक ऐड होते हैं, ठीक है, और यूट्यूब ऐड होते हैं, तो वैसे व्हाट्सएप भी ऐड लाने वाला है और 100% लाएगा, क्योंकि भाई व्हाट्सएप जो है वो मार्क जकरबर्ग का है। वो सब जन बोलते कि इलॉन मस्क जो है वो बहुत शातिर है, बहुत टैलेंटेड, नो डाउट है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि सुंगड़ी में घुमड़ी वाला जो बोलते हैं ना, वो है मार्क जकरबर्ग। उस बंदे का दिमाग इतना शार्प है कि वो समझ गया है कि क्या चल रहा है और कॉम्पिटिशन कैसे देना है। आप यकीन मानिए, फेसबुक जो है उसका रुतबा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। YouTube ने उसका ध्यान 1-2 साल पूरा शॉर्ट पे डाला और जो लॉन्ग वीडियोस है उस पे YouTube ने ध्यान नहीं दिया। उसका फायदा मार्क जकरबर्ग ने लिया और अपना जो Facebook पे जो क्रिएटर्स की जो संख्या है वो बहुत तादाद पे बढ़ा दिया और क्रिएटर्स को अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है। आप यकीन मानिए, पिछले साल के कंपेरिजन में आज आप फेसबुक पे ज्यादा वीडियो देखते हो। यूट्यूब तो है ही टॉप पे ही है, लेकिन उसके बाद में अगर कोई आया तो फेसबुक पे वीडियोस देखते हो। मैं रील की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियोस की बात कर रहा हूँ, वो फेसबुक पे देखते हो। बहरहाल बात
आश्चर्य व्हाट्सएप की, तो आपको समझ गया होगा कि व्हाट्सएप बिजनेस आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे या फिर सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, आपका दो मिनट में चैनल बन जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो स्टेटस का जो आइकन है उसके बाजू में अपडेट का आइकन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आपको चैनल ज्वाइन करते आता है। मिले तो आपसे इजाजत, जय हिंद।